मैं आज जब टाइम्स नाउ में आया हूं तो टाइम्स नाउ के मंच से सभी देशवासियों से आग्रह करूंगा कि देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने वालों को याद करते हुए एक प्राण ले, संकल्प ले। देखिए, आजादी के पहले लोगों को देश के लिए मरना का सौभाग्य मिला और लोगों ने देश के लिए बलिदान दिए। आजादी के बाद देश के लिए जीने का सौभाग्य हमें मिला है, हमें देश के लिए जीना चाहिए। और मैं ये नहीं कहता हूं कि आप भी सब छोड़ छाड़ के निकल जाइए, आप अपना सब करते हुए देश के लिए कीजिए। उन लोगों को याद करें जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। देश के उन महान वीर बेटे बेटियों को याद करते हुए ये प्रण लेंगे कि वो ईमानदारी से जो टैक्स बनता है उसे देंगे। वर्ष 2022 आजादी के 75 वर्ष होने जा रहे हैं। अपने संकल्पों को इस महान पर्व से जोड़िए, अपने कर्तव्यों को इस महान अवसर से जोड़िए। और मेरा मीडिया जगत से भी एक आग्रह है, और यहां तो विनीत जी बैठे हैं तो बहुत चारों तरफ फैले हुए हैं तो ज्यादा मदद कर सकते हैं। स्वतंत्र भारत के निर्माण में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका रही है, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी एक छोटा सा अखबार आजादी के आंदोलन को लीड करता था, गाइड करता था। देश के मीडिया ने आजादी के आंदोलन को बहुत बड़ी ताकत दी थी। अब समृद्ध भारत के निर्माण में भी मीडिया बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है और करनी भी चाहिए। जिस तरह मीडिया ने स्वच्छ भारत, सिंगल यूज प्लास्टिक पर जागरूकता अभियान चलाया, वैसे ही उसे देश की चुनौतियों, जरूरतों के बारे में भी निरंतर अभियान चलाते रहना चाहिए। सरकार की आलोचना करनी हो, हमारी योजनाओं की गलतियां निकालनी हो, खुल करके करिए, मैं उसका स्वागत करता हूं। मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर भी ये फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन देश के लोगों को निरंतर जागरूक भी करते रहना चाहिए। जागरूक सिर्फ खबरों से ही नहीं, बल्कि देश को दिशा देने वाले विषयों से भी।